सुबह सुबह साफ सफाई चल रही है यहाँ पे। तो आना हमने था एमएम कॉलेज वाली साइड से, और ड्राइवर हमें ले आया गांधीनगर वाली साइड से। जो नहीं देगा तो उसके साथ लड़ाई करनी है हमने कोई, हम नहीं एक एक दो दो रुपए के पीछे लड़ाई करते। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक है। तो रास्ते में जाते जाते व्लॉग स्टार्ट कर लिया, मेरे डेली घर से व्लॉग स्टार्ट करिए, बोरिंग नहीं करना, बन व्लॉग्स बनाना चाहता क्योंकि कल को पिन कोड आ जाएगा, फिर व्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सही से बनाता हूँ वीडियोस। और कॉन्ग्रेचुलेशन सबको उमरान मलिक के लिए, वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट JNK का सब प्लेयर जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ है। तो अभी अभी हम पहुँचे हैं नीचे नरवाल हाईवे पे, तो गाड़ी लगभग कल मैंने 25-30 मिनट वेट किया, आज देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा कितना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, कर रहे हैं गाड़ी का वेट, टाइम से पहले हम पहुँचने चाहिए, 9 बजे क्लास है, 8:50 तक हम पहुँच जाने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आना हमने था एमएम कॉलेज वाली साइड से, और ड्राइवर हमें ले आया गांधीनगर वाली साइड से। तो उसने कहाँ पे उतारा हमें, विक्रम चौक उतारा। तो अब हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से कॉलेज, यहाँ से लगभग 5 या 7 मिनट लग जाएंगे कॉलेज तक। आज तो बहुत ज़्यादा स्यापा पड़ गया और गाड़ी में बहुत ज़्यादा रश था। अभी टाइम हो चुका है 8:50, जो मैंने कहा था हम 10 मिनट पहले पहुँचने चाहिए, तो उसी 10 मिनट पहले हम पहुँचेंगे कॉलेज के अंदर। तो हम आपको मिलेंगे आप क्लास लगाने के बाद ही, उससे पहले तो चलो। सुबह सुबह साफ सफाई चल रही है यहाँ पे, ये शर्ट बंद था अभी खोला है, बच्चों ने खुद ही ओपन किया इसको। पहले चल के टाइम टेबल देख लेते हैं अपना अपना, सब खाली है अभी इस टाइम, एक वो टोमी आया हुआ है बस, इस साइड चलते हैं। तो पहली मेरी कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लास है और वो है लगभग 9 से 10, तो पहले लगा लेते हैं क्लास, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहेगा क्या नहीं। पहले चल के रूम में चेक करते हैं टीचर आई है कि नहीं। पहुँच चुके क्लास में, मैम आने वाले हैं, क्लास लगा के क्लास एंड हो चुकी है, अभी चलते हैं बाहर। तो पहली क्लास हो चुकी है खत्म, अब हम जा रहे हैं दूसरी क्लास के लिए, रूम नंबर 13 में बुलाया, फिर सीधा ऊपर है, चलते हैं हम सीधा वहीं पर। पहली क्लास में बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत सही से पढ़ाया, उतना कुछ पढ़ाया नहीं, अब कल से सही से क्लासेज होंगी, उन्होंने कहा बुक्स लेके आना सारा कुछ, पहले चलते हैं क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। तो भागना पड़ रहा है, मैम शिर आ गए वो अंदर, चलो सीधा नहीं रहते। तो हमें सबसे पुराने फ्रेंड मिले हमें दर्श भाई, बताओ अपने बारे में कुछ खासियत अपनी। क्रिकेट खेलते हैं आपको, देखो इस टाइम भी बैट है, ये हमारा बैट है, बॉल हमारे पास है, सही है। खेलने लगे हैं क्लास में, अभी इतने सारे बच्चे हैं, बस दो चार, दो छः, सिर्फ 6 ही बच्चे अभी तक क्लास में, बाकी आ रहे हैं, मैम भी आने वाले हैं, उसके बाद लगेगी क्लास। तो यहाँ पर क्लास नहीं होने वाली है, मैम ने कहा 2 या 3 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन के बाद क्लास में लड़ूंगी। तो ये सारे बच्चे खुश हो गए हैं, हेलो ब्रो। तो अभी मैं क्लास लगाने आया था और 3 बच्चों ने मुझे कहा हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो बहुत ही सही लगा, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन 3 बंदे भी मेरे लिए बहुत मेन है, जिन्हें कहा भैया हम आपकी व्लॉग्स देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब किया है, फिर उन्हें क्लास व्लास का पूछा, और मेरी क्लास में मेरी सेक्शन में समझो मेरे साथ उनके सारे पीरियड्स होते हैं। बस अभी हम हिंदी की क्लास का वेट करें, बोले टीचर नहीं आई है, तो बाकी देखते हैं क्या। एक क्लास लगा ली हमने, बहुत ही अच्छी की, दूसरी प्रैक्टिकल की भी हो चुकी है क्लास, अब 3री क्लास हम लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, शर्मा रहे बहुत ज़्यादा। तो अभी हम यहाँ पे सर का वेट करें, हिंदी वाले सर का आने वाले हैं, वो आधा घंटा लेट हो चुके हैं लेकिन अभी तक आए नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, वेट करते थोड़ा सा। तो हमारे एक और भाई आ चुके हैं यहाँ पे, कैसे हो सर? बढ़िया। तो सर नहीं आए हुए हैं, क्लास अभी नहीं होगी, तो अब हम जा रहे हैं बाहर बैठने के लिए, तो बाहर चलते हैं, तो अभी चलो बाहर। ये तो हमारे भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो सर। तो अभी हम चल के बैठते हैं कहीं पे, क्योंकि क्लासेस तो है ही नहीं है, तो ऐसा कोई रश है यहाँ पे।
तो यहाँ पे डेली क्रिकेट चलती है ग्राउंड में, और यहाँ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बैठेंगे एक घंटा में बैठना, उसके बाद हम जाके हमारी क्लासेज होंगी। तो बड़ा बच्चा यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बच्चा। तो प्रिंसिपल सर का यहीं पे है रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो वहाँ पे पार्किंग। अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, एक क्लास नहीं अभी, टीचर एब्सेंट है, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो एक बार नज़र मार लो, ये अपना कॉलेज, ये अपनी बस, तो ये अपनी बाइकें, गाड़ियाँ, सारा कुछ अपना ही है यार। जो नहीं देगा तो उसके साथ लड़ाई करनी है आपने कोई? हम नहीं, एक एक दो दो रुपए के पीछे लड़ाई करते हैं, हम अपना किराया पूरा काटते हैं। और भी बहकी सभी जुबां है। तो आ चुके हम नरवाल रेडिसन के पास, सामने उतरे थे हाईवे पे, तो गाड़ी में लड़ाई हो गई थी 2 रुपए के ऊपर। वो भैया बोल रहे थे 10 रुपए किराया, और वो ड्राइवर कंडक्टर बोल रहा था 12 रुपए किराया। थोड़ा मसला सा हो गया, जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बना लिया, आपने पीछे देख ही ली होगी, फ़ोन में छुपा के बना रहा था मैं, उनको पता ना लग जाए। तो अभी हम चलते हैं घर पे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। अंकल स्टैंड 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 ऊपर है, यहाँ से चलना है। अंकल जी को स्टैंड बता दिया था, एक्सीडेंट हो जाता ना यार, स्वाव कमा लिया। तो सीधा चलते हैं घर पे, तो फिर मिलते हैं आपसे। और बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद हम घर पे पहुँच गए हैं। तो चलो जी, चाबी इधर अंदर निकाल लाओ। मच 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 लेटर। हमारे इंस्टाग्राम मॉडल ब्रो भाई, ज़रा बताओ अपने बारे में कुछ। तो कॉलेज से आने के बाद सो गए थे, कुछ करने को था नहीं, और बनाने को वीडियो कुछ थी नहीं, तो यहाँ पे करते हैं आज के व्लॉग दिए। तो आपको व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच, लास्ट व्लॉग पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सबका। जिसने अभी तक नहीं चेकआउट किया, जाके एक बार पहले देख लो, बहुत टाइम बाद मुझे 1K+ व्यूज़ क्रॉस हुए हैं, तो उसके लिए आप सबका शुक्रिया। लगभग 2 महीने बाद 25 व्लॉग्स के बाद 1K व्यूज़ आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सूर्य ढल गया, मैं ऊपर आया था, वीडियो अच्छी बनेगी, और वीडियो अच्छी बन रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।